नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ परात्पर परमेश्वर प्रभु जगन्नाथंकर परम पवित्र श्रीक्षेत्र धामरु जय जगन्नाथ टीवी सीधा प्रसारण कार्यक्रम प्रातः अधिवेशन को आपण मानक सुस्वागत करुचु शुभेच्छा जनाउछु। दिन टी शुभंकर हो मंगलमय हो सर्वदा आपण प्रभुंकर पदारबिंद रे आश्रितर मनोभाव रहु। यही भावना रखि आम दिन टी मंगलमय करिबा बोली मंगलमय ठाकुर पाखरे प्रार्थना करिबा। श्री मंगलमय ठाकुर हेउचंती प्रभु परात्पर परमेश्वर प्रभु जगन्नाथ जे कि शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगीर्भिर्ध्यानगम्यम वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। से मंगलमय भगवान विष्णु जे कि सदा सर्वदा भक्त मानंकर जीव जगतर संसारर सृष्टिर मंगल चिंता करती। तेणु मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम पुरुषोत्तम माधव माधव वाक्यम माधव माधव हरि स्मरन्ति सा माधव नित्यम सर्वकाजेषु माधव। प्रभुंकर चिंता हेउची मंगल चिंता कहा पाई आम मानक पाई आमे माने मध्य प्रार्थना करू प्रभु को प्रभु आज दिन टी मंगल हेउ। भगवान चिंता करती आम पाई आमे चिंता करू आम पाई प्रभु को कही था प्रभु दिनटी आज भलरे भलरे जाऊ मंगल करिवे मंगलमय ठाकुर निद्रारू जेतेबे उठिचे ए चिंता आसुची आम दिनटी आज कहा सहित कली झगड़ा न लागू समस्तंक सहित बंधुत्वर भातृत्वर मित्रतार भाव सृष्टि करी दिनटी कटि जाऊ। प्रभु ए कृपा करी थांतु आपण आम मान प्रभु जेतेबेले निद्रा उठंती से निज कथा को भूली जांती निज परिवार कथा भूली जांती केवल सृष्टिर कथा चिंता करंती जेउंतु पई से मंगलमय ठाकुर सदा सर्वदा से जगतर मंगल चिंता करी थांती प्राणीकर मंगल चिंता करी थांती। तेणु से मंगलमय ठाकुर मंगलमय ठाकुरंकर दर्शन मंगलमय ठाकुरंकर चिंतन भजन कीर्तन ये समय होउची आमे जेते बेले गोटिया अवस्था रो आउ गोटिया अवस्था को आसुचे। रात्र जेते बेले आसी गला आमे विश्राम करी सुप्त अवस्था को जाउचे सी गोटिया अवस्था रात्र अतिक्रम करी गला रात्र रे आमर आउ कोनोसी कार्य न थाए रात्र अतिक्रम करिबा परे आउ गोटिए नुआ सकाळ जेतेबेळे आसि जाए पुणी नुआ कर्म नुआ चिंता नुआ अन्वेषण रे आमे बाहरि थाउ सेतेबेळे आलोक द्वारा ही आमे गति करि थाउ। दिन आसिले आमे कर्म तत्परता विभिन्न स्थान को जाई थाउ कर्म करिबा भल कर्म करिबा जणे चिंता करिबा मु भल कर्म करी ए कर्म करी कारण मनुष्य सब कर सब बेले चिंता भल मंदर चिंता करिबा नहीं ए भल आ मंद चिंता किए भावना भितर को आने ना मन आनी थाए। ए शरीर दुर्लभ शरीर को मनुष्य शरीर आमे पाइचे प्राप्त होइचे भगवानंकर कृपा दयारु भगवानक दयारु मनुष्यत्व भगवान देइचंती मनुष्य पणिया देइचंती मनुष्य शरीर देइचंती ए मनुष्यर समस्त सुरक्षार बा शरीर को सुस्थ रखिबा पाई होउचे किए ना मन मन सुस्थ रहिले शरीर सुस्थ रहिबो शरीर सुस्थ रहिले अकृत कार्य आपण करिपारिबे जेड़े बड़ कार्य हो आपण करिपारिबे समर्थ हेबे सिद्धांत रे पहुँचिबे।
ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବେ ମନ ଦ୍ୱାରା ସବୁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ, ଜଣେ କହିବ ମୁଁ ଭଲ ସେବକଟିଏ ହେବି, ଜଣେ କହିବ ଭଲ ରାଜନେତାଟିଏ ହେବି, ଜଣେ କହିବ ଭଲ ସୈନିକଟିଏ ହେବି, ଜଣେ କହିବ ଭଲ କୃଷକଟିଏ ହେବି, ଜଣେ କହିବ ଭଲ ମୁଁ ଡାକ୍ତରଟିଏ ହେବି, ଇଞ୍ଜିନିୟରଟିଏ ହେବି, ଭଲ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ, ଭଲ ଲେଖକଟିଏ ହେବି, ସବୁ ଭଲ ଯାହା ହେବାକୁ ମଣିଷ ଚିନ୍ତା କରେ ସବୁ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମନ ତାର ଯଦି ସଠିକ୍ ଥାଏ, ଭଲ ଥାଏ, ଶରୀର ଭଲ ଥାଏ, ଏ ଦୁଇଟି ଭଲ ଥିଲେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବ। ଏ ଦୁଇଟି ଯଦି ଖରାପ ଥାଏ, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ହେଲେ ସେ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସଫଳତା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ, ବିଫଳତାରେ ସଦାବେଳେ ରହିବ, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତିରେ ରହିବ, ଦୁର୍ବଳ ମନ ହେଇଯିବ, ଶରୀର ଅବକ୍ଷୟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ମନ ଭିତରେ ରହିଛି, ମନକୁ ସ୍ଥିର, ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ, ମନକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଆମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ହୁଏ, ତାହା ହେଉଛି ଅନେକ ମାର୍ଗ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାତଃ ସମୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ କିଛି ଦେବତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ଦେବତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ଦେବାଳୟର ଦର୍ଶନ, କିଛି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଅନୁମୋଦିତ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ, ଏସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ମନଟି ଆଗ ସୁସ୍ଥ ରହିଯାଏ, ଭଲ ରହିଯାଏ। ମନ ଭଲ ରହିଲେ ଆମେ ଭଲ ରହିଯିବା, ଆମେ ଭଲ ରହିଲେ ସବୁ ଭଲ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥାରୁ ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଆସୁଛେ, ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରୁ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାକୁ। ସେ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବା ମଙ୍ଗଳମୟ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଏ ଭଗବାନ, ଏ କଥା ଚିନ୍ତା ଆମେ କରୁଥାଏ। କାହା ପାଖରେ? ନା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଜି ଉଦୟ ପର୍ବର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ରହି ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏ ସୌଭାଗ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ବି ପରୋକ୍ଷରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତୀର୍ଥରାଜ ମହୋଦେବୀଙ୍କର କୂଳକୁ, ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଉଦୟ ପର୍ବର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ। କାରଣ ଅରୁଣ ଉଦୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଅରୁଣୋଦୟ ସମୟ କୁହାଯାଏ। ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉଦୟ ପର୍ବକୁ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ କାହିଁକି? ନା ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଥମ କିରଣ, ଉଦୟ କିରଣ ହିଁ ଆମକୁ କିଛି ସଫଳତା ଦେଇଥାଏ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଦେଇଥାଏ, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସଫଳତା, ମନ ସ୍ତରରେ ସଫଳତା, ଶରୀର ସ୍ତରରେ ସଫଳତା, ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ସଫଳତା, ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ହିଁ ଆସିଥାଏ। ସେ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା। ତେଣୁ ଯିଏ ଚିନ୍ତା କରେ ଯେ ଜୀବନର କିଛି କରିବାର ଭାବନାକୁ ଆଣିଥାଏ, ସିଏ ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ଭାବନାକୁ ରଖିଥାଏ, ଉଦୟ ପର୍ବର ଭାବନାକୁ, ଉଦୟ ପର୍ବର ଦୃଶ୍ୟକୁ, ଉଦୟ ପର୍ବର କିରଣକୁ, ଏସବୁ ତାର ମାନସ ପଟରେ ଭାବନା ଚିନ୍ତନ ଭିତରେ ରଖିଥାଏ। ନହେଲେ ଯାହା ଚିନ୍ତା ଆମେ କରିବା, ଯାହା ଭାବିବା, କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥାଏ। ସର୍ବଦା ଆମେ ଯାହା ବି କରିବା, ଶରଣାଗତ ଶରଣାପନ୍ନ ଭାବ ନେଇ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ଆପେ ଆପେ ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ। କାରଣ ପରାତ୍ପର ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ଠାକୁର ଭଗବାନ ଯାହା ବି ବିଧାନ କରନ୍ତି, ସେ ବିଧାନ କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଧାନକୁ ମାନିକି ଚଳିବାର ରହିଛି,
ବିଧି ବିଧାନ ଆମେ କହିଛେ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟର ବିଧି ରହିଛି ବିଧାନ ରହିଛି। ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ନୀତି ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କାରଣ ଏ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ କିଛି କରିବା କିଛି ନ କରିବା ଏସବୁ ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି। ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଆସୁନାହିଁ କରିବାର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଚିନ୍ତା ଶୂନ୍ୟ ହିଁ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଉଛି। ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥା ହିଁ ଚିନ୍ତା କରେ କ'ଣ କରିବା କ'ଣ ନ କରିବା କେଉଁଠିକି ଯିବା କ'ଣ କାହାକୁ କ'ଣ କହିବା ଏସବୁ ନାନାଦି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଆସେ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ। ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉଦୟ ପର୍ବ ଦେଖିଦେଲା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଦେଲା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କରିଦେଲା ପରେ ସ୍ୱତଃ ଶରୀରରେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ବା କରିବାର ଶକ୍ତି ହିଁ ସ୍ୱତଃ ଆସିଯାଇଥାଏ। ଇଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣର ପ୍ରଭାବ ତେଣୁ ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟକୁ ଆମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାଉ। ସାଧୁସନ୍ତ ଋଷି ମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁନି ଋଷିମାନେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉଦୟ ପର୍ବର ଦର୍ଶନ ସହିତ ତାଙ୍କର ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନାଦି କର୍ମ ସାରିବାର ବିଧାନ ରହିଥାଏ। ନଦୀ ଜଳ ହଉ କୂପ ଜଳ ହଉ ଏ ଜଳମାନଙ୍କରେ ସ୍ନାନ କରି ଶରୀରକୁ ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ମନର ଶୀତଳତା ଉଦୟ ପର୍ବ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରହିଥାଏ। ଯେଭଳି ଶରୀରକୁ ଆପଣ ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଦୁଇ ଢାଳ ଜଳ ଶରୀରରେ ପକାଇଦେଲେ ଶରୀର ଶୀତଳତା ହୋଇଯାଏ ସେମିତି ଶରୀର ଭିତରେ ମନ ଯେଉଁ ରହିଛି ମନର ଶୀତଳତା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଥରେ କରିଦେଲେ ମନ ଶୀତଳତା ହୋଇଯାଏ। ଶରୀର ଶୀତଳ ଆସିଗଲେ ଆନନ୍ଦ ବା ଆରାମ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଭଲ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ମନ ଶୀତଳ ହୋଇଗଲେ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପାଇଯାଏ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ପରାତ୍ପର ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ପତିତ ପାବନ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାର ସିଂହଦ୍ୱାର ପ୍ରଭୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ପତିତ ପାବନ ନାରାୟଣ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାର ଦର୍ଶନ ସେ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ରହିଛି ସମ୍ମୁଖ ଭାଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀର ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଉପନୀତ ଆଗମନ ହେବ ତଥାପି ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଚାହିଁ ଦେଇ ପ୍ରଣାମଟିଏ କରିଦିଅନ୍ତି। ପତିତ ପାବନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସହିତ ହନୁମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସେଠି ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଏ ଯିଏ ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ସେ ସର୍ବଦେବତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେ ଯିଏ ସମୁଦ୍ରକୂଳକୁ ଆସେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଦର୍ଶନ କରେ ସେ ସର୍ବତୀର୍ଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସର୍ବଦେବତା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଆପଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବସିଛନ୍ତି ସକାଳର ପରିବେଶ ସକାଳର ଅବସ୍ଥା ମନକୁ ଟିକେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ କରିବା ପାଇଁ ମନକୁ ଚିନ୍ତାଶୂନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସକାଳକୁ ଆପଣ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିକି ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଦର୍ଶନ ଦୁଇଟି ଦର୍ଶନ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୁଇଟି ଦର୍ଶନ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭୁ ପତିତ ପାବନ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପୂର୍ବ ଗୁମୁଟକୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତୀର୍ଥରାଜ ମହୋଦଧିର କୂଳକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି ସର୍ବଦେବତାଙ୍କୁ ମହୋଦଧି ରଖିଛନ୍ତି ସର୍ବତୀର୍ଥକୁ ତେଣୁ ଦୁଇଟି ସର୍ବଦେବତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସର୍ବତୀର୍ଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଆପଣ କରନ୍ତି
ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୀର୍ଥର ଦର୍ଶନର ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟତା ମିଳିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ତୀର୍ଥ ବୁଲିବା ସମ୍ଭବପର ନଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ତୀର୍ଥର ଦର୍ଶନ କରିବା ସମ୍ଭବପର ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତୀର୍ଥରାଜ ମହୋଦଧିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ ସର୍ବତୀର୍ଥର ଦର୍ଶନର ପୁଣ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ସେଇ ପୁଣ୍ୟତା ବଳରେ ଆପଣ ଧର୍ମ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଦାନ ଧର୍ମ ପୁଣ୍ୟ କଲେ ଧର୍ମ ବଳ ବଢ଼ିଥାଏ, ଏକଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଦାନ ଧର୍ମ ପୁଣ୍ୟ ଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତୀର୍ଥରାଜ ମହୋଦଧିରେ କରିଥାନ୍ତି। ସଙ୍କେତ ଯାହା ସୂଚନା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛନ୍ତି, କମ୍ ସମୟରେ ପତିତ ପାବନ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆମେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀର ଅପୂର୍ବ ଦର୍ଶନ, ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନ ଭଗବାନଙ୍କୁ କରୁଛେ, ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ମନୋନିବେଶ କରିଛେ। ଧୀରେ 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 ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ପ୍ରଖରତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥାଏ, କାରଣ ଗତିଶୀଳ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗତିଶୀଳ ଦେବତା ହିଁ କହିଥାନ୍ତି, ସର୍ବଦା କହିଥାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଗତିଶୀଳ ହେବା ଦରକାର, କର୍ମ କରିବା ଦରକାର। ପତିତ ପାବନ ନାରାୟଣ ସେହି ପରାତ୍ପର ପରମେଶ୍ୱର ପରମବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରଭୁ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦର୍ଶନର ଆମର ଯେଉଁ ଆଶା ଅଭିଳାଷ ଥିଲା, ଆକାଂକ୍ଷା ଥିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦର୍ଶନ କରିବି, ଏ ଦର୍ଶନ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସେବକ ଉପସ୍ଥିତ ଯେତେବେଳେ ରହିଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦାପନା ପ୍ରଥମ ଆଳତୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯେଉଁ ପତିତ ପାବନ ନାରାୟଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଦେଖିବାର ଦିବ୍ୟତାକୁ ଭବ୍ୟତାକୁ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ସେ ଦର୍ଶନ କରିବା, ତାପରେ ଅନେକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତୀର୍ଥରାଜ ମହୋଦଧିଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ପାରମ୍ପରିକ ଭଜନ ସହିତ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀର ପୁଣ୍ୟତା ଆମେ ଲାଭ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
हे प्रभु जगत ठाकुर जगन्नाथ, हे दयामय करुणा कर, एई करुणा जो भली भाव आज करें आम को सर्वदा एई करुणा कृपा आपण एमती करिथिबे, समस्त इच्छा को पूरण कले, समस्त भावना को पूरण कले, एवं समस्त अभिलाष को पूरण कले, कारण समस्त चाहिथिले आपणकर मंगल आरती टिके दर्शन करिबा पाई, सुमधुर संगीतर भक्तिरसपूर्ण परिवेश मध्यरे ताही आपण प्रथम सकाळरु आपणकर मंगल आरती दर्शन करिछि ए जीव ए प्राणी ए अभिलाष रखिथिला प्रभु आपणकर मंगल आरती दर्शन करिबा बोली सेति पाई त आपण कृपावंत कृपा करिछन्ति, सेति पाई त आपण दयावंत दया करिछन्ति, आपण दया कृपारु ही आज मंगल आरती दर्शन कलु यही भावना ही रखा दरकार। जो मंगल आरती आपण दर्शन कर सारे मंगल आरतीर दर्शन अपेक्षा करते आपण मंगल आरती दर्शन करी आपणकर कार्य को बाहर जे जो कार्य को जीवापाई स्थिर कर घरे अपेक्षा करते आपण माने तेणु से कार्य को जीवे ए मानसिकता इच्छा ए भावना आपण कर थिला तार प्रसाद पटरे काहीक रहिला ना प्रभुंकर प्रथम आरती मंगल आरती देखिदेले मंगल हेब सब समस्त कार्य सर्व कार्य ए चिंता भी ठीक दर्शन परे ए चिंता भी करिबा कथा जेमती दर्शन र चिंता थिला मंगल आरती दर्शन करिवे कार्य को आपणकर जीवे एवं आज समस्त कार्य मंगल हेब ए भावना रखी आपण दर्शन कले से भावना करिबा कथा से प्रभु पाखे प्रभु आपणकर कृपारु आपणकर दयारु आज मंगल आरती दर्शन प्राप्त हेली तेणु वर्ष सारा जहाँ जीवदशा थिला जाए जीवन थिला जाए जहाँ प्राप्त हेबी प्रभु आपणक कृपारु आपणक दयारु ए भाव जीव को आनिबा दरकार। यही भावना जदि आसीगला आपण शरणागत हो सारी शरणापन्न हो सारी शरणापन्न होबार आवश्यकता न थाए आज संकल्प नवा दरकार मंगल आरतीर परे परे अनेकांश व्यक्ति तांकर कार्य को बाहरी सारी जीवे निश्चित काम को अनेक घरे बसी आपण मान व्यवसायिक प्रतिष्ठान बसी सका सका किसी मनटा को स्थिर करवा मनटा को खुशी करवा कारण घर भितर घर मंदिर भितर घर परिवेश को टिके शांत वातावरण देवाई जय जगन्नाथ टीवी खोली दे प्रभुंकर मंगल आरती टीवी माध्यम रे आपण दर्शन करी अपुरंतु आनंद सहित विश्वास करी नहीं चंती घर आमर पवित्र हो जीव घरे परस्पर मध्य शांत वातावरण रहिबो प्रभु मध्य समस्त की शांति वार्ता प्रदान करी समस्त मंगल चिंता करी निजर नित्य कर्म को भूली जाइथिले प्रभु एमितिका ठाकुर से निजर नित्य कर्म को भूली जाई आम मानकर चिंता करिथिले जगत जीव जगतर चिंता करिथिले जीवजगत कथा चिंता करिबा परे जीवजगत को शांति प्रदान करिबा परे जीवजगत को समस्त संसार को मंगल प्रदान करिबा परे प्रभु तांकर नित्य कर्म करिबा को तांकर इच्छा हला वर्तमान तांकर पूर्व रात्रर जो पुष्प अलंकार मान पिंधिक महाप्रभु सुवंती जो वस्त्र महाप्रभु पिंधितबे ताकु उलागी करा जीव पुष्प अलंकार उलागी करे जीव महाप्रभु स्नान करिवे ए प्रकार नीति तांकर निजर नित्य कर्म को भूली जांती परर मंगल चिंता करिबा पाई परर उपकार करिबा पाई संसार रो उपकार प्राणी रो मंगल चिंता भगवान करते ना तेणु सी हेउछंती देवता सर्वव्याप्त जिए निजर कर्म को भूली नित्य कर्म को भूली जाई परर सेवा को आगे आसी थांती जगतवासी मंगल चिंता करती से प्रभु हेउछंती
मो जगन्नाथ सदा बेले तुंडरे मोर भाव आणतु मो जगन्नाथ जेमिति मो पुओ मो स्त्री मो घर मो गाड़ी मो द्वार मो संपत्ति मोर आसी जाउची वास्तव में सी आपणकर नुह घर कौन आपर नहीं सदा बेले कह मोर घर घर कदापि जीवन मोर स्त्री कदापि जीवन स्त्री द्वार देश पर्यंत आसीब जी भी जहार आम को यह धाम त्याग करिबा स्त्री आसीब द्वार देश जाए बंधु बांधव जीवे श्मशान जाए सेठी समस्त परिसमाप्ति आग को आसी पारे ना कि सी मोर नुहंती मो सहित जीवे किए भगवान जीवे धर्म जीव धर्म बल ही आपण सहित जीव तेणु जहाँ को मोर कौचे घर मोर स्त्री मोर पु मोर पुत्र मोर पुत्री मोर नाती मोर नातुणी मोर ये सब कही मोर नुहंती गोटे मोर करंतु जगन्नाथ होती मोर भगवान होती मोर भगवान ही मोर सहित रही भगवान मो सहित रही भगवान सहित रही जो भावना चिंता करें प्रकृतरे जदि तुमको दुख अशांति और विपद भल लगे तेरे शरीर और संसार सहित संबंध स्थापन करते जदि आपण को सुख शांति आनंद भल लगे तेरे भगवान सहित संबंध स्थापन करते कारण सी ही आम सहित अच्छा मु सर्वदा भगवान ही अंश अटे एक कथा मन भितर सर्वदा जाग्रत करातु मु अर्थ स्वयं मु सर्वदा अविनाशी अटे मु सर्वदा चेतन अटे मु सर्वदा अमल निर्दोष अटे मु सर्वदा सहज सुख राशि अटे थरक सरल हृदय दृढ़तार सहित स्वीकार करनी भगवान आपण को स्वीकार करे भगवान आपण को स्वीकार करे कारण ना भाव विद्यते स्वतः परमात्मा अस्ति रूप से परमात्मा को नाम ही श्रेष्ठ जो नाम कीर्तन आपण देखुं सिंहद्वार सम्मुखें नाम कीर्तन देखुं नाम कीर्तन शुणा द्वारा ही समस्त पाप राशि चली जाए थाए धोई हो जाए थाए से नामर प्रभाव एटी नामर प्रभाव रही एटी धामर प्रभाव रही एटी तीर्थर प्रभाव रही एटी दर्शनर प्रभाव रही प्रभाव द्वारा ही प्रभावित तो आम होगा कारण परमात्मा कदापि कहारी संग से छाड़ती ना परमात्मा कहा संग छाड़ी ना छाड़े ना छाड़े ना छाड़ पारे ना कदापि सी आम को धरी केवल आम धरवार त्रुटि रही था ज्ञान से भक्ति द्वारा भगवान नामर सुख आम आस्वादन करवा मृदंग बाजुची खोल बाजुची झांज करताल आज प्रकंपित होती सिंहद्वार समस्त मन नाचे उठू मन नाचे केतेबेले प्रभु को पाईगले मन नाचे केतेबेले खुशी हो गले मन नाचे केतेबेले आनंद पाईगले सेतिपाई कुआ गला जदि आपण सुख चाहती शांति चाहती आनंद चाहती मौज भल लगे तेरे भगवान सहित संबंध स्थापन कर ये हूँ भगवान संबंध स्थापन करार गोटे मार्ग कीर्तन करेंगे ना कीर्तन देखिए कीर्तन शुणवे ना कीर्तन जपिबे जहाँ गोटे कर्म करेंगे आपण सुख रपण शांति रपण आनंद रपण मौज रपण भगवान रे ना आपण को दुख भल लगे अशांति भल लगे विपद भल लगे
तबे का सहित संपर्क रखिबे संसार सहित रखंतु शरीर ओ संसार सहित संबंध स्थापन करंतु शरीर सहित स्थापन करंतु ने संसार सहित स्थापन करंतु दुख पाइबे अशांति पाइबे विपद पाइबे जहां आपनको भलो लागे सेया करिबे तेणु समस्त भगवानंकर आत्मीय हे जीवा भगवानंकर होइतबा दृष्टिरु मु काहाको मन्द भाबिबे नै एक कथा संकल्प नियंतु मन भितर भगवान मु भगवान तेणु भगवान दृष्टि कहार मंद भाव का मंद पांचबिन का मंद करी ना ये संकल्प मन में निदि करी प्रभु संकीर्तन करी जदि करी प्रभु कथामृत श्रवण करी जदि करी प्रभु देव कार्य किसी करी जी कर इच्छा अच्छे करिबा प्रति आपणकर स्पृह अछि ए कार्य करंतु कार मंद कार्य करंतु कार मंद चिंता करंतु कार मंद कथा भावंतु कारण मु केवल भगवानंकर केवल भगवान भगवान ही मोर आपणार समग्र संसार सर्वदा भगवानंकर ही स्वरूप तांको व्यतीत आउ किछि हेले नाही कारण वासुदेव सर्वम आमे कहिचे से कथा को चिंता को आनिबे से कथा को अनुध्यान करिवे कारण जेते बेले भी देखिवे अखिल ब्रह्मांड रे एपरी कोनोसी वस्तु नाही जे सर्वदा आपण आम सहित रही पारिबो आपण मानक सहित रही पारिबो देखंतु कि भले नाच संकीर्तन रो शब्द आपण को पाखरे पहुंचुची जो कीर्तन संकीर्तन रो शब्द रे मन स्थिर आसी जाए तांकर शरीर कथा कहूँ उन्मुतन जो उदंड नाच करुचंती नामरसर प्रभाव जड़े आंठे पड़ुंट आउ जड़े आंठे पड़े ये सब निर्देश आसे भगवान जिते बड़े भगवान किसी कर्म करेंगे निर्देश क्या आस भगवान आसु ये वर्तमान जेपर्यंत तुंडे नाम अच्छी ये शरीर भितर परमात्मा प्रभाव ही रहिबो तेणु अखिल ब्रह्मांड रे एपरी कोनोसी वस्तु नाही जहाँ सर्वदा आम सहित रही पारिबो एवं आमे ता सहित रही पारिबा प्रत्येक वस्तु प्रत्येक व्यक्ति सहित संयोग हुए एवं सेमानक ठारु वियोग मध्य होइता किंतु भगवान सहित थरे जदि संबंध हैला भगवान सहित प्रत्येक जीवर संबंध स्वाभाविक रही था केबे हेले केही हेले तांको थारु कदापि पृथक होइना हेबे नाही होई पारिबे नाही केबे भी भगवान को थारु आमे पृथक हेइ पारिबे नाही कारण सी आमको धरिछन माता पिता स्त्री पुत्र भाई ए प्रभुति आमे सबु बेले कहिछे केही नुहंत कारण माता कुहतु पिता कुहतु स्त्री कुहतु पुत्र कुहतु भाई कुहतु प्रभुति कहीं आपणार नुहति आम जेहेतु से मानकर सेवा करू केवल से ही दृष्टि से आमर आपणार सेवा पाइबे आम आपणार जदि बास्तव में आपणार होता तेरे कदापि आम ठार विजुक्त हो पारती ना भगवान व्यतीत अगर सबकि मिली दिने छाड़ चली भगवान व्यतीत सबकि मिली दिने सबू जीव जहाँ मिली से सब आमर आपणार नुहति संकीर्तन परे कीर्तन परे देवता कार्य परे प्रणाम गोटे लुटिगले से भूमिष्ठ प्रणाम हो गले प्रभुंकर पदार बिंदरे प्रभुंकर बड़दाण्डे बड़दाण्डे प्रणाम कले प्रभुंकर पदार बिंद को जाए ये भावना से मानकर रही जो माने साधु संत सतसंग करती संकीर्तन नाम कीर्तन करती तांकर भावना ही परिवर्तन कर दिखती महाप्रभु से चाहती परिवर्तन हेबा पाई भगवान करती तेणु आम चाहिबा भगवान कहते मनुष्य जहाँ चाहे मुझे देवी किंतु तार जहाँ आवश्यकता हुए मुझे देवी आम चाहिबा अधिक आम चाहूचे अधिक किंतु आमर जी दरकार आवश्यकता से मिलू आवश्यकता कौन दरकार आमर
आत्मा शरीर को मन को गीता पाठ करिबा, भागवत पाठ करिबा, गीता श्रवण करिबा, भागवत श्रवण करिबा, धर्मग्रंथ प्रातः समय पठन करिबा, अन्य मानु को पढ़िबा पाई प्रेरणा देवा, ये होची मनुष्यर किसी कर्तव्य बा करिबार इच्छा। निजे भगवान कहिसंती असत्तर भाव बा सत्ता विद्यमान नाही एवं सत्र अभाव विद्यमान नाही। कथाटी टिके बुझंतु, एठी नाम करूचंती, सकाळु आसीचंती, मां माने आसी खंडिये खंडिये हातरे गीता भजन पुस्तक धरिचंती, तांकर भजन करूचंती, नाम जप करूचंती, नाम कीर्तन करूचंती। यही माँ माने तंकर संसार अच्छे पुणी पिला छुआ रही स्वामी रही से मानकर भी सेवा अच्छे से मानकर भी अंकर दायित्व अच्छे से मानक प्रति मानकर कर्तव्य अच्छे। गोटे गृहिणी घर जावतीय कार्य करता रोसई ठार आरंभ कर पिला छुआ सेवा पर्यंत नानादि प्रकार गोटे संसार दायित्व सी नहीं था भगवान दे था संसार दायित्व से संसार भितर ता पिला छुआ संसार जी समस्त गोटे गोटे तेल लुण संसार ना आम मानकर गोटे गोटे संसार स्वामी टे थी स्त्री टे थी पिला पिले गोटे था दुईटी था सी हूँ आम छोट संसार आम संसार को आम नहीं प्रभु आम समर्पित समस्त संसार निज संसार काम अच्छी रोसई पत्र हम पिला खाइबे स्वामी खाई अफिश जी ये सब नानादी प्रकार अच्छे कर्म ये कर माँ मैंने कर प्रथम जिते बारे सी गोटे दिन को आरंभ कर प्रभु समय किसी दे प्रभु समय किसी प्रभु द्वार को आसिले ये आसी प्रभु नाम कीर्तन सिंह द्वार सम्मुखें करुंक माँ मैंने अच्छा ब्राह्म मुहूर्त उठी निजर ठाकुर घरे यही नाम कीर्तन करती निज घर भितर यही नाम करती सी कौन प्रभुंर नुहत सी भी प्रभुंर प्रभु कहते जी मत जप करुचे सी मोर जी मत जप न करुची भी सी मोर कारण भगवान व्यतीत आम क्या पाखे नाहू सी ही आमको आपणार कर मानि नहीं ये हूँ मोर अंश सर्वदा आम सहित रही रे तेणु प्रभु पाखे आम सर्वदा रहीचे प्रभु आमको सर्वदा रखिंट भक्ति सहकार आम प्रभु पाखे रहीचे भक्ति ही पाखे रण एकम्र परमात्मा सत्ता ही अस्थि रूप से विद्यमान यह हूँ ज्ञान एवं से अस्थि मोर आपणार यह हूँ भक्ति ज्ञान भक्ति जो कहचे परमात्मा सत्ता ही अस्थि अच्छी ए रूप से विद्यमान ज्ञान रूप से सी हूँ ज्ञान रूप से रही से ज्ञान ही मोर भक्ति तेणु समस्ते समस्त कर्म भितर को जवा पूर्व प्रभु कि समय दवा आवश्यकता रही था कहते भगवान निजे कहले असत्र भाव बा सत्ता विद्यमान नहीं सत्र अभाव विद्यमान नहीं नाशो तो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सतह कौनसी व्यक्ति संसार को जिते दृढ़ भाव स्वीकार करूना कहीं संसार सत्ता आदो विद्यमान नुहे जिते दृढ़तार सहित स्वीकार करू संसार सत्ता आदो विद्यमान नहीं ता सर्वदा अप्राप्त अटे एवं कदापि कहारी को प्राप्त हो पारिबो नहीं एक कथा चिंता करिबा दरकार किंतु भगवान को कही जिते अस्वीकार कले जी भगवान को भजन भजन करू भजन न करू भगवान को दर्शन करू न करू गीता पढ़ू न पढ़ू भागवत पढ़ू न पढ़ू सी कौन भगवान ताकु छाड़ी दौंट से कहगला भगवान को कई जिते
अस्वीकार कले सत्ता सर्वदा विद्यमान रहिबो से समस्त को सर्वदा प्राप्त हेबे कहा को अप्राप्त हेबे ना भगवान कदापि कहारी को अप्राप्त हो पारे ना स्वप्न जहाँ सहित कदापि संबंध होना साधक ताठर संबंध तुटाई देवा उचित जहाँ सहित संबंध ना ता सहित संबंध तुटे देवा संसार सहित आम संबंध रही शरीर सहित कौन आम संबंध रही शरीर सहित आमर संबंध ना शरीर भितर जी अच्छी ता सहित संबंध रखा कथा शरीर पोड़ीजीव पाउँश मुठे हो पाउँश मटी में मिशि से पंच महाभूत आम मिशि लीन हो जो कह पंच महाभूत लीन हो पंच महाभूत लीन हो पंच महाभूत शरीर तेणु शरीर पंच महाभूत लीन हो शरीर भितर जी रही सी कदापि लीन हो शरीर भितर जी रही सी हूं भगवान तेणु आम शरीर सहित संबंध रखुचे शरीर को जत्न नौचे शरीर को जत्न नौचे मन को केवे चिंता करें जत्न नवाप मनर चिंता मन को जत्न नवा केवल नाम जो करूँ सिंह द्वारे देखुले वर्तमान भी करुच मनर जत्न हो प्रभु कि भगवान भक्त मान शरीर आमर नुहे शरीर सहित संबंध रखा अनुचित संसार आमर नुहे संसार सहित संबंध रखा अनुचित आमर किए एथर विचार करतु आपणकर किए ता सहित संबंध रखत अर्थात जी आम सहित संबंध रखिंट रखि रखिए सहित आम संबंध रखा आपे आपे देखिए कौन संसार माया आपन को छाड़ चली स्वप्न जा सहित कदापि संबंध होना साधक ताटर संबंध तुटे देवा उचित जे भगवान को प्रति चिंता करी जहाँ कदापि संबंध तुटी ना सी हूँ भगवान तांको सहित संबंध स्थापन करवा उचित ये हूँ भक्तर संकल्प ये संकल्प आसिले जहाँ आपे आपे छाड़ी चली जाऊँ ताकू छाड़ा को हम एवं जे आम को सर्वदा प्राप्त होती ही पाइबा को होती भगवान जी प्राप्त नुहे आम चाहूचे भगवान जी अप्राप्त ताकू आम सर्वदा खोजुचे तेणु जिते बेले भी चिंता करिवे प्रभुंकर चिंता करंतु जिते बेले भी चिंता कुचिंता आसुची से कुचिंता प्रभु को दे दियंतु दबा आग जदि शिखिजे आपण सबू दे पारिवे दबा जदि शिखिबे समर्पण भाव आस जदि दबार भाव न आसला कृपण भाव आस जड़े जड़े था कृपण आम भी कहचे से लोकटा ना कहीं धोलु से लोकटा ना धोलु खाइबा को सका मिलन ता मुह चाहिए खाइबा को मिलन आम एभली शब्द भी प्रयोग कर लोकों प्रति से लोकटी प्रति तार व्यवहार तार आचार तार गतिविधि की समस्ते चिंता करते सी कृपण लोकटी कृपण एथपाय कृपण से अन्यर उपकार चिंता करे ना साज चिंता करे ना देवार चिंता करे ना तेणु दबार अभ्यास कले समर्पित भाव आसीज केते नाच देखुचंती संकीर्तन मंडली से अरुण स्तंभ चकड़ा चतुर्पार्श्व घेरी बुली आसुचंती नाच कूद करी प्रभुंकर नाम ये तो आनंद मनीष आनंदर ऊर्ध को चली जाए केते बेले नाम रस रे जाए आउ कौनसी रस रे आपण जीवेनी संसार रे जिते रस अच्छी नाम रस ही रसानंदंकर श्रेष्ठ से होती रसानंद
प्रभु होंगे रसानंद। से रसानंद रस निर्गत हेले से रस को जी आस्वादन करे नाम रस स्वरूप से यही भाव में सबकि भूली जाए थाए। जो देखुचे संसार मायारु समस्ते मुक्ति पाई जाती संसार बंधन रे पड़ती ना ये मार्ग भी आम को जना कि आम सदा बेले कांदुचे संसार पाई आम कांदुचे केते कष्ट हला पिलाटी कही तार कौन बही ना बोली जिते बेले न आनी पारुचे अर्थ अभाव रोचे एकुटिया बसी कांदुचन कहीं ना आपण असमर्थ हेले आपण दबा पाई बाप हिसाब से पुओ को दबा पाई असमर्थ हेले से असमर्थ पाई आपण दुख प्रकाश कले दुख प्रकाश रे आपणकर क्षति हेला असम्मान हेला पुओ मानिबनी झियो मानिबनी स्त्री मानिबनी जे पर्यंत आपण तांकर कहिबा मुताबक सब आवश्यकता पूरण न करंतु तेणु से पूरण करिबा पई आपण को किछि करिबा को पड़िबो पूरण कले ही से खुशी हेबे किंतु भगवान भगवान को आपण जहाँ कहिके आसिछंती भगवान आपण को जहाँ कहिछंती प्रत्येक मनुष्य को आमको कहिछंती संसार को पठाइछंती बिना आदेश निर्देश रे नुह संसार को आसिछे आमे किछि करिबा पई से करिवार भावना जेते बेला आसे प्रभुंकर पदार बिंदर आमे समर्पि जाई थाउ तेणु चिंता करिवा भगवान जहाँ विधान करती भगवानकर विधान सहित आमको जिबाकू हबो तांको आदेश को तांको निर्देश को मानिबाकू हबो कारण भगवान जहाँ विधान करती समग्र संसार जीव मानक कल्याण निमंत करती भगवान ई कृपा आड़ को जीवर दृष्टि आकर्षित हो गले कौन बा रहा सी आँ कर जीव मान मंगल पर भगवान सदा सर्वदा हृदय व्याकुलता होता जीव मान मंगल कामना करने मन तर प्रभु व्याकुलता होता है तेणु से सर्वधर्म परितेज मामेकम शरणम ब्रजो अत्यंत गोपनीय कथा कही कारण भगवान सकल जीव को निजर मित्र मन कर सुहृदम सर्वभूताना सेमान को स्वतंत्रता देइछन् सेमाने कर्मजोग ज्ञानजोग भक्तिजोग आदि कौन सी साधन द्वारा तांको पाई परिबे दुख संताप आदि को सबुदिन पाई समूले नष्ट करि परिबे भगवान तांको स्वतंत्रता देइछन् मनुष्य को वास्तव में केवल भगवत कृपार ही जीवर उद्धार हुए चिंता करिबा कथा भगवत कृपारु ही जीवर उद्धार हुए एक कथा चिंता करिबा आवश्यक गोटे पटे नाम कीर्तन गोटे पटे भी भजन कीर्तन गोटे भजन कीर्तन गोटे नाम कीर्तन भजन रे प्रभु नाम रे प्रभु कारण सी होंगे सर्वव्याप्त से सर्वव्याप्त भगवान को कृपा भगवत कृपारु ही जीव उद्धार पाई जाए भजन कले उद्धार पाई नाम कले उद्धार पाई उद्धार केमिति पाइबे ए भवसागर आम कहे भगवान को कहे प्रभु ए भवसागर उद्धार कर भगवान उद्धार करने आम को मार्ग देखते आम कितु जापर आम कितु जापर प्रभु को कहे प्रभु ए भवसागर आमको उद्धार कर हाथ टेक दौ प्रभु उद्धार कला बेलू हाथ बढ़ेला बेलू आम हाथ काढ़ी दौ संसार भितर पशि जा संसार भवसागर में बुड़ जा से भवसागर न बुड़ापाई आम हाथ टेकुचे हाथ केत टेकती आप जिते बड़े आपने पहरा जानी ना पाने पशि जा समग्र शरीर आपणकर पानी भितर थी हाथ दूची अनंत आकाश को उठी थी हाथ आपणकर पानी जे बुड़ी जाए ता हाथ केबे तलकु न थाए शरीर सब पानी भितर पानी ऊपर थी हाथ कहीं से हाथ को ही भगवान धरी था तेणु पानी रे बुड़ी गला बेले आम हाथ टेकु देते किए जड़े देखा उधार कर अरे ए पिला पानी रे बुड़ी जाऊ आम हाथ भी डाकुचे
ହାତ ସ୍ୱତ ହଲି ଥାଏ ପାଟି ତ ଫୁଲ ନଥିବ। ହାତ ସଙ୍କେତ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ଆସି ଉଦ୍ଧାର କରିବ, ସେଇ କେହି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଥିବେ, ଭଗବାନ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଜଳରୁ ଯେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି ଭଗବାନ ତା ରୂପରେ ଭବସାଗରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କା ମାଧ୍ୟମରେ, ନାମ ମାଧ୍ୟମରେ, ଭଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି। ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର, ଆମେ ଶିଖିବାନି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାନି, ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାନି। ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ମାର୍ଗ ବତେଇଲା, ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ସେ ପଥରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଗାଁଟି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ସେ ଗାଁ ବାଟରେ ଗୋଟାକୁ ପଚାରିଲେ ଏ ଗାଁ କେଉଁଠି, ଏ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁ, ସେ ମାର୍ଗ ଦେଖିଦେଲେ, ଆପଣ ପଳାଉଛନ୍ତି, ବ୍ୟାକୁଳତାର ସହିତ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମିତି ଭବସାଗରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ମାର୍ଗ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ବ୍ୟାକୁଳତାର ସହିତ ଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯାଇପାରୁନି। ଯାଇ ନ ପାରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ମାୟା ଆମକୁ ଗ୍ରାସ କରିଯାଉଛି। ସେ ମାୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସଂସାର ମାୟା, ଆସକ୍ତି, ଲୋଭ, ମୋହ ଏସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବା। ତ୍ୟାଗ କେମିତି କରିବା କହିଦେଲେ କରିବା? ଭାତ ଥାଳି ପାଖରେ ବସିଗଲେ କ'ଣ ଭାତ ଆପେ ଆପେ ପାଟିକି ଯାଉଛି? ମାଠିଆ ପାଖକୁ ପଳେଇଲେ ଆପେ ଆପେ ପାଣି କ'ଣ ପେଟ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି? କରିବାକୁ କିଛି ପଡ଼ୁଛି? ସେମିତି ଯଦି ଭୋକ ମେଣ୍ଟିବାକୁ କିଛି କ୍ରିୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଶୋଷ ମେଣ୍ଟିବାକୁ କିଛି କ୍ରିୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଜୀବକୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି କ୍ରିୟା କରିବା? ଏ ଭବସାଗରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା, ଏ ଭବସାଗରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ତ କ୍ରିୟା କରିବା। ସେଇ କ୍ରିୟା ହେଉଛି ଭବସାଗରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବତ କୃପା। ଜୀବର ଉଦ୍ଧାର ହୁଏ କର୍ମଯୋଗ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, ଭକ୍ତି ଯୋଗ, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ, ଲୟ ଯୋଗ, ହଟ ଯୋଗ, ରାଜଯୋଗ, ମନ୍ତ୍ର ଯୋଗ, ଏ ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତ ସାଧନା ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁଭବୀ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକଟ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ସାଧନାରେ ଭଗବତ କୃପା ହିଁ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ରହିଛି, ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। ସାଧନା କରିବାରେ ତ ସାଧକ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ସାଧନାର ସିଦ୍ଧିରେ ଭଗବତ କୃପା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ। ଆମେ ଭଜନ କରୁଛେ, ଆସି ଏଠି ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକି ମା ମାନେ ଭଜନ କରୁଛୁ, ସେ କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ, ସିଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ, ଭଗବତ କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ, କାରଣ ମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭଗବତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ପାଇବେ। ଇଏ ଆସି ଗାଁରୁ କାମଧନ୍ଦା ଛାଡ଼ି ଖୋଳ ବଜାଉଛନ୍ତି, କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ସିଂହଦ୍ୱାରରେ, କାହିଁକି? ଶରଣାଗତ, କାରଣ ଶରଣାଗତ ଭକ୍ତ କେବେ ଏପରି ସେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଯିଏ ଶରଣାଗତ ଭକ୍ତି ରଖିଥାଏ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ଚରଣରେ ପ୍ରେମ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଦ୍ଧ ହେଲେ ନାହିଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଦ୍ଧ ହେଲେ ନାହିଁ ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବ କେମିତି? ଆଉ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ, ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ କୃପା କରିବେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ। ଭକ୍ତ ନିଜର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରେମ ଦିଅନ୍ତୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ଏ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ଭଗବାନ କେମିତି ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଦେବେ, ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ସିଏ ଚାହିଁବେ ଦେବେ। ତେଣୁ ଆମେ କ୍ରିୟା କରିବା, କର୍ମ କରିବା, ସେ ତ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି କର୍ମ କରି ଚାଲ ଫଳ ମୁଁ ଦେବି। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ କର୍ମ କରିବା, ଫଳକୁ ଆସି ଆଶା ରଖିବା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହୋଇ ଭଜନଟିଏ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଭଜନ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପରେ ଆଜି ହେଉଛି ସୋମବାର, ଶିବଙ୍କର ବାର, ଶିବଙ୍କର ଉପାସନା, ଶିବଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଟିକେ ମନ ଭିତରକୁ ଆଣିବା। ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବେ, ବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ ଏ ଧାରା ବିବରଣୀରେ। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ଭଜନକୁ ଶୁଣିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।